तस्वीरें दिखा रहा हूं मुख्य गेट की, जहां पर तैयारियां पूरी हो रही हैं। और देखिए कुछ और जवान आए हैं जो साथ में आगे आगे चलेंगे। और आप देखिए कि आर्मी के जवान पहले से आ चुके हैं, बैंड आ चुका है इस मुख्य गेट पर। और इसके अलावा अभी और कुछ जवान आए हैं जो अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं और दो ट्रक जैसा मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि सजाए गए हैं, साथ साथ चलेंगे। एक में जो आगे वाला ट्रक है, इसमें पार्थिव शरीर रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का, और कृष्ण मेनन मार्ग से बीजेपी मुख्यालय तक ले जाया जाएगा। साथ में सचिन एक और जानकारी लोगों को देना चाहेंगे जी न्यूज़ के माध्यम से कि अभी जो दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली के डीसीपी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये नई दिल्ली की जो 25 सड़कों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, ये पूरे दिन के लिए बंद नहीं है। जैसे ही यहाँ से पार्थिव शरीर रवाना हो जाएगा 8:30 बजे के बाद, तकरीबन 9 बजे पहुँच जाएगा DDU मार्ग, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी नई दिल्ली की सड़कों पर। और इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे ITO DDU मार्ग पर और रिंग रोड पर। तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों को ये जानकारी रहे कि पूरे दिन ये सड़कें क्लोज नहीं की गई हैं। हाँ, इसके बाद रिंग रोड सचिन और इसी में इंक्लूड करता हूँ, अगर जितेंद्र मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं ठीक है, इसमें मैं इंक्लूड करता हूँ, अगर जितेंद्र मुझे सुन पा रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और जितेंद्र इसमें मैं कहीं ना कहीं कल रिलेट कर पा रहा हूँ, कल जिस वक्त हम मेडिकल बुलेटिन का इंतजार कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो सबसे बिजीएस्ट हम ये कह सकते हैं चौराहा है एम्स का, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है दिल्ली के तमाम मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए, लेकिन उस वक्त भी ऐसा था, प्रधानमंत्री अंदर मौजूद थे, ये ऐसा लग रहा था कि शायद ये कॉल उनकी है कि अगर यहाँ से भी पार्थिव शरीर को जब लेकर के जाया जाए, यहाँ से जो भी सिचुएशन हो, आम लोग कम से कम सफ़र ना करें। और यही यही तैयारी आज भी नज़र आ रही है।